हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी के सिमेटिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की क्लास है हमारी कक्षा 9 NCERT गणित की प्रश्नावली 2.1 की जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके कुछ पार्ट्स हमने आज की वीडियो में लिए हैं। तो आइए हल करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा, प्रश्न था कि प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो पहला पार्ट है हमारा 2 + x^2 + x, इसमें जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसका हमें गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा भाई, बताएंगे। तो जहां एक्स स्क्वायर वाला पद है उसके देखिए गुणा में क्या लिखा हुआ है, यहां पर यहां क्या लिखा हुआ है, 1। तो हम क्या लिखेंगे गुणांक के बजाय, +1, यही हमारा आंसर होगा। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, फिर से हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बतलाना है यहाँ भी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स जिस चर का गुणांक पूछा जा रहा है उसी चर को हमें देखना है। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में यहाँ भी गुणांक पूछा है, तो यहाँ ये रहा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, π/2, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ π/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे फोर पार्ट है हमारा, √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्या यहाँ एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, कहीं नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भाई, जिसका हमें गुणांक ज्ञात करना है, जब वो है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुणांक 0 हो जाएगा, यही आंसर होगा। आगे प्रश्न 3 है हमारा, 35 घात के डी पद और 100 घात का एक पद, ये एक एक उदाहरण देना है हमें, यानी ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें चर की जो घात हो 35 हो और यहाँ घात 100 हो। तो लिखते हैं, देखिए हमने एक चर लिया x, इसकी घात कितनी रखनी है, वो 35। गुणांक हमने ले लिया यहाँ पर 3 - 4, तो ये तो हो गया। देखिए इसमें दो पद हैं, दो पद का हमें बोला था दी पद, ये एक ऐसा बहुपद लिखे जिसमें घात 35 हो चर की। तो इसके अलावा हम अपनी इच्छा से और भी एग्जाम पे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये। तथा अब हमें लिखना है 100 घात का एक पद, ये यानी ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें केवल एक पद हो और x की यानी चर की घात कितनी हो, 100 हो। तो हम यहाँ बाई ले सकते हैं, इसकी पावर 100, इसके गुणांक में कुछ ले लो, कुछ भी ले लीजिएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों आंसर हैं, आप इसके आधार पर और भी बना सकते हैं। आगे प्रश्न 4 है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का बहुपद की घात लिखिए। तो 4 बहुपद दिए गए हैं हमारे, इनमें से हमें बहुपद की घात बतलानी है। तो पहले बहुपद में देखेंगे, तो हमने बताया था कि बहुपद की जब भी घात पूछी जाए तो हमें ये देखना है जो चर है हमारा अक्षर, उसमें सबसे बड़ी घात किस पद की है। तो हमने देखा यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात ये हो जाएगी हमारी 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेकेंड पार्ट है, ये बहुपद है 4 - y^2, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। थर्ड पार्ट है हमारा, 5t - √7, तो यहाँ से बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात, देखिए t की घात यहाँ 1 छिपी हुई है, तो यहाँ 1 घात हो जाएगी। आगे फोर्थ पार्ट में हमारा, देखिए ये 3 एक बहुपद दिया है लेकिन यहाँ चर नहीं है हमारा, कोई अक्षर नहीं है, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी, बहुपद की घात बराबर हो जाएगा 0, यही आंसर। आगे प्रश्न 5 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो हमने बतलाया था कि जिस बहुपद में चर की घात 1 है तो उस हम बोलेंगे रैखिक बहुपद,
घात दो होगी चर की तो उसे द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, घात तीन होगी तो उसे हम बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। तो आइए करते हैं, तो देखिए पहले पार्ट में हमें यहाँ पर एक्स की कितनी घात है, दो है, तो इसे हम लिखेंगे द्विघाती बहुपद, बहुपद ये द्विघाती बहुपद होगा। यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात तीन है तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पर थर्ड में यहाँ भी अधिकतम घात दो है तो ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। यहाँ पर अधिकतम घात एक है तो इसे बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आगे फिफ्थ पार्ट है इसका टी, थ्री टी यहाँ बहुपद है ये, तो यहाँ टी की एक घात है अधिकतम तो इसे बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आगे फोर्थ सिक्स पार्ट है हमारा, आर की पावर है यहाँ टू तो ये होगा हमारा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और सेवन पार्ट दिया था यहाँ पर अधिकतम घात एक्स की तीन है तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा।